हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर वन क्लास ट्वेल्थ का एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट। तो ये मेरे पास है एनसीईआरटी की बुक, तो जिसमें देखते हैं वन चैप्टर है क्या हमारा है रिलेशन एंड फंक्शन। ओके, तो बेसिकली ये रिलेशन होता क्या, तो 1.1 में जो हमारा है वो रिलेशन है। तो रिलेशन अगर हम रियल लाइफ की बात करें तो हमारे जो फैमिली है उसमें भी हमारे रिलेशन होते हैं, लाइक फादर का मदर से रिलेशन है, वाइफ है। ओके, फादर का सन से रिलेशन है, सन का फादर से है, सन का मदर से है, मदर का सन से, ये हमारे रिलेशन होते हैं रियल लाइफ में। हर एक का पर्सन का रिलेशन हर एक टर्म से होता है। मान लो तुम्हारी फैमिली में चार लोग हैं, लाइक तुम हो, लड़का या लड़की कुछ भी हो सकते हो, और तुम्हारे मम्मी पापा। ओके, तो अगर मैं लड़के की बात करूँ तो लड़के का जो रिलेशन अपने फादर से क्या है, सन का, मदर से भी सन, और अपनी बहन से उसका सिस्टर या ब्रदर का रिलेशन होगा। ओके, तो ये हमारे रिलेशन होते हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर इंसान का उसके फैमिली में हर एक पर्सन से डिफरेंट रिलेशन होता है। ओके, तो इसको हम बेसिकली रिलेशन से डिफाइन करते हैं। तो अगर हम बात करें रिलेशन, तो रिलेशन के जो 1.1 में हमारे थ्री टाइप्स के पढ़ते हैं इनको। ओके, तो एक आपने पढ़ा होगा कि एम्प्टी रिलेशन क्या होता है, जिसका कोई भी सम टर्म जो है कॉमन ना हो, जिसमें हमारा होता है एम्प्टी। और एक होता है हमारा यूनिवर्सल रिलेशन, जिसमें क्या होता है उसका हर एक टर्म दूसरे टर्म से मैच खाता है। यानी कि ए, अगर हम बात करें एम्प्टी रिलेशन, तो ए रिलेशन आर इन सेट। अगर मैं एनसीईआरटी की बुक दिखाऊं आपको तो क्या है ये, अगर डेफिनेशन वन देखना चाहो तो ए रिलेशन आर इन अ सेट, ए इज़ कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन इफ़ नो एलिमेंट ऑफ ए इज़ रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए। अगर एक कोई रिलेशन एम्प्टी रिलेशन है और दूसरा भी कोई रिलेशन, अगर इन दोनों में कोई कुछ भी मैच नहीं, यानी जीरो आ रहा है मैच करने पर, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो उस केस में हम उस रिलेशन को क्या बोलते हैं, एम्प्टी रिलेशन। ओके, और डेफिनेशन टू हमारी आ जाती है कि ए रिलेशन आर इन सेट, ए इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज़ रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट। ओके, इसमें होता है नो एलिमेंट इज रिलेटेड टू ए, और इसमें होता है एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू ए। ओके, तो जब एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू ए होता है, तो उस केस में क्या होता है हमारा यूनिवर्सल रिलेशन, और इसमें हो जाते हैं एम्प्टी। ओके, तो ये आ जाता है। अब सिंपली हमारे जो रिलेशन को फंक्शन को तीन डिवाइड में भाग किया, जो हमारा मेन पॉइंट आता है अब। तो बेसिकली रिलेशन को तीन में डिवाइड किया, फर्स्ट क्या है, जिसमें फर्स्ट आता है हमारा रिफ्लेक्सिव। ओके, तो रिफ्लेक्सिव है क्या, तीन टर्म है, पहले हम रिफ्लेक्सिव देखते हैं, उसके बाद हमारा दूसरा आएगा सिमेट्रिक। ओके, थर्ड जो पॉइंट है वो क्या है हमारा, ट्रांजिटिव। ओके, तो ये देखते हैं पहला क्या है, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव सिंपली होता क्या है, मान लो हमारा कोई रिलेशन दे रखा है, ओके, जिसमें हमारा आर क्या है, कोई भी टर्म लेट कर लेते हैं हम, तो आर के अंदर हमारा कोई भी टर्म है, वन 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 टू वन थ्री टू टू थ्री थ्री। ओके, तो जो आर मेरा रिलेशन है वो क्या कहता है कि ए कोई एलिमेंट है उसका ही एक सेम एलिमेंट होना चाहिए। ओके, अगर ए है तो वो दोबारा भी ए होना चाहिए, वन वन है तो वन वन होना चाहिए, टू है तो टू टू होना चाहिए। ओके, तो इस केस में क्या होता है हमारा, रिफ्लेक्सिव। ओके, अगर बोले इसको रिफ्लेक्सिव क्या है, ए और ए बिलोंग्स टू हमारा आर करना चाहिए, यानी अगर मैं उठाऊँ ये वाला टर्म तो ए ए, यानी कि सेम सेम वाला, अगर यहाँ पर टू भी हो सकता है, थ्री भी हो सकता है, फोर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो हमारे रिलेक्शन रिलेशन पे डिपेंड कर जाएगा। ओके, अगर इसमें बात करूँ तो मेरा वन वन है, ओके, टू टू भी है ना, तो ये हमारा यही चाहिए होता है। अगर सेम टर्म आ रहे हैं तो वो क्या होता है, रिफ्लेक्सिव, यानी रिफ्लेक्ट करके वही टर्म दिखा रही है हमें। ओके, दूसरा टर्म आ जाता है हमारे पास सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है, सिमेट्रिक एग्जिस्ट इज, आप समझ लो लेट ए एंड बी दो कोई टर्म है। ओके, मैं ये बता रहा हूँ सिमेट्रिक का आपको, कि ये दोनों बिलोंग्स टू कर रहे हैं हमारे आर से।
ओके, ए एंड बी दो एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहे हैं आर से, सॉरी नंबर या कुछ भी बोल सकते हैं। तो इसका अपोजिट भी यानी बी एंड ए भी हमारा किससे बिलोंग करना चाहिए, आर से। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, ये सिमेट्रिक है। ओके, ये सिमेट्रिक है। और इस केस में क्या होता है, ए ए बिलोंग करना चाहिए आर से, तो ये होता है रिफ्लेक्सिव। ओके, और सिमेट्रिक समझ में आ गया। अगर ए एंड बी बिलोंग्स टू आर कर रहे हैं तो इसका अपोजिट भी यानी बी एंड ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। इस केस में क्या हो गया, ये सिमेट्रिक। थर्ड आ जाता है हमारा पॉइंट, ट्रांजिटिव। ओके, तो ट्रांजिटिव क्या होता है, ट्रांजिटिव भी सेम ईजी है। इसमें क्या होता है, इसमें होता है मान लो हमारा ए एंड बी, ओके ये बिलोंग कर रहे हैं हमारा आर से। ओके, ए एंड बी एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं आर से, तो दूसरे एक टर्म होना चाहिए बी एंड सी बिलोंग्स टू आर। ओके, ये कैसे होना चाहिए, देखो मान लो ये मेरा लिया मैंने वन टू, ये बिलोंग कर रहा है मेरा आर से, यानी कि यहाँ पर वन कितना है ए और टू कितना है बी। ओके, तो सेम दूसरा जब टर्म लेंगे तो हमारा कितना होना चाहिए, टू और यहाँ पर थ्री, यानी कि ये वाले सेम होने चाहिए क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, बी बी, तो ये दोनों बी सेम होंगे। ये कैसा कर रहा है मेरा आर से। ओके, तो ये हमारा क्या है ट्रांजिटिव में, ए एंड बी बिलोंग्स टू आर, बी एंड सी बिलोंग्स टू आर, तो जो तीसरा टर्म है ना ए एंड सी, ये भी बिलोंग्स टू अगर आर कर रहा है। ओके, ये दोनों तो कर रहे हैं, करेंगे ही तुम्हारा, ये भी होना चाहिए कि ये दोनों को काट के ए सी भी अगर मेरा बिलोंग्स टू आर कर रहा है, तो इस केस में क्या होता है, ये ट्रांजिटिव। ओके, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। एक फोर्थ टर्म और है इसमें, वो क्या है मेरा इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, जिसमें ऐसा रिलेशन जो हमारा रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो एंड ट्रांजिटिव भी हो। ये ऐसा रिलेशन जिसमें हमारे तीनों आ जाते हैं, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ऐसे रिलेशन को हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, तो इक्विवेलेंस का सब कुछ आ जाता है जिसमें रिफ्लेक्स भी हो हमारा, सिमेट्रिक भी हो एंड ट्रांजिटिव भी हो, इसको क्या बोलते हैं हम, इक्विवेलेंस। ओके, तो रिफ्लेक्सिव हमारा सिंपल होता है कि ए ए बिलोंग्स टू हमारा आर करना चाहिए, तब मेरा ये रिफ्लेक्सिव होगा। सिमेट्रिक के लिए अगर ए बी बिलोंग्स टू आर कर रहा है तो बी ए बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ये तो हमारे पॉइंट होते हैं जो है ही, मिलेंगे तुम्हें एज़ इट इज़, बट ये तुम्हें ढूंढना पड़ता है। ओके, क्वेश्चन करेंगे तो ईजिली समझ आएगा, अभी ये इंट्रोडक्शन पार्ट है। ओके, ट्रांजिटिव में क्या है, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर कर रहा है तो बी सी भी बिलोंग्स टू आर होगा, ये दोनों पॉइंट हमें गिवन होंगे, तो हमें फाइंड क्या करना है, ए सी बिलोंग्स टू भी आर होना चाहिए। ओके, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर एक एग्जांपल लेते हैं, लेट एक एग्जांपल लेते हैं, उससे समझते क्या है। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं, क्या है हमारा एग्जांपल, लेट आर हमें कोई रिलेशन दे रखा है, आर रिलेशन क्या है हमारा, इसके अंदर हमारा वन वन, टू टू, थ्री थ्री एंड वन टू, टू थ्री। ओके, ये हमें आर दिया हुआ, तो हमें चेक करना है ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक, ये बताना है कौन क्या है। ओके, तो अब फर्स्ट टर्म आता है रिफ्लेक्सिव, तो मैंने अभी बताया था रिफ्लेक्सिव के लिए हमारी क्या टर्म होनी चाहिए, ए ए होना चाहिए। ओके, तो देख सकते हैं अगर मैं ये वाला टर्म उठा रहा हूँ तो वन वन सेम है, टू टू सेम है, थ्री एंड थ्री, बाकी की ज़रूरत नहीं हमें, ये सब किससे बिलोंग कर रहे हैं, हमारे आर से कर रहे हैं ना, तो सिंपली हम क्या बोल देंगे, ये रिफ्लेक्सिव है। सिंपल ये लिखना है, रिफ्लेक्सिव के लिए हमारा ये कंडीशन होनी चाहिए, ए बिलोंग्स टू ए, ये बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो हमने वही चेक करा, वन वन, टू टू, थ्री थ्री, ये किससे बिलोंग कर रहे हैं हमारे, सिंपल आर से, यानी सेम सेम वाले टर्म। ओके, ये हो गया रिफ्लेक्सिव है ये। ओके, सो इट्स रिफ्लेक्सिव। सेकंड क्या आ जाता है, सिमेट्रिक। ओके, सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन थी हमारी, उसमें थी ए एंड बी अगर मेरा बिलोंग्स टू आर है।
ओके तो क्या होना चाहिए, बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ओके कोई भी टर्म उठाओ, लेट मैं उठाता हूँ ये वाला वन टू, मैंने उठाया वन एंड टू। ओके ये बिलोंग्स टू मेरा कर रहा है आर। ओके तो क्या टू इसका अपोजिट तो ये होगा सिंपल, तो क्या ये बिलोंग्स टू आर कर रहा है, चेक करो ऐसा कहीं है हमारा टू एंड वन, टू वन टू वन नहीं है कहीं पर। ओके अगर लेट हम ये वाला भी कर लेते हैं तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू, टू थ्री बिलोंग्स टू आर कर रहा है, तो क्या इसका उल्टा करूँगा टू थ्री, क्या बिलोंग्स टू आर कर रहा है टू थ्री कहीं पर भी नहीं, तो ये भी नहीं होगा, तो ये क्या हमारा सिमेट्रिक नहीं होगा। ओके ये रिफ्लेक्सिव है सिमेट्रिक नहीं। लास्ट देख लेते हैं ट्रांजिटिव। ओके ट्रांजिटिव में क्या हम होता है हमारा, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है मेरा, तो बी एंड सी भी बिलोंग्स टू आर है, तो चेक क्या करना होता है, ए एंड सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो ऐसा कोई टर्म उठा, लेट हम उठा रहे हैं टू थ्री एंड टू टू। ओके मैंने क्या उठाया टू एंड टू, ये बिलोंग्स टू आर है मेरा, टू थ्री, टू थ्री ये भी बिलोंग्स टू आर है, क्यों उठाने का, हमारा जो बी होता है ये टर्म सेम होना चाहिए, ऐसा उठाना होता है हमें। ओके तो अब हमें चेक क्या कर रहे हैं, इससे ये कट जाए क्या बचा टू एंड थ्री, ये सेम नहीं होगा, टू टू नहीं आना चाहिए इसमें। ओके इसमें से ये दोनों पॉइंट उठाओ क्योंकि ये दोनों सेम है, ये सेम वाले हम नहीं ले सकते इसमें, तो हमें सिंपल के लेना वन टू एंड टू थ्री। ओके तो वन टू टू थ्री काट देंगे टू से टू, तो ये बिलोंग्स टू आर है, ये भी बिलोंग्स टू आर है, तो टू से टू कटने के बाद कितना आता है वन थ्री, तो वन थ्री हमारा मैच कर रहा है कहीं पर भी देखो, नहीं है ना वन थ्री कहीं पर भी, तो ये क्या होगा ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, तो सिंपली क्या है हमारा रिफ्लेक्सिव। ऐसे अगर आपको कहीं पर भी डाउट लगता है तो मेरे को बताना कमेंट बॉक्स में, और बाकी हम जब एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे तो ईजिली समझ आ जाएगा, बट अभी आपको बस इतना याद रखना है कि रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन होती है, ए ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन होती है, ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बी ए बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए, ए बी बिलोंग्स टू आर है, बी सी बिलोंग्स टू आर है तो क्या होना चाहिए, ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ओके आई होप आपको ये समझ आया, किसी भी प्रकार का कहीं पर भी डाउट लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ओके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।